हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजुकुलेशन की समस्या बहुत आम है। हर दूसरा व्यक्ति को परेशानी है कि भाई उनका जल्दी निकल जाता है, लिंग में ढीलापन रहता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो हम कई सारे डिस्कस कर चुके हैं ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत असरदार है, कारगर है, ये आपके काम आएगा वीडियो। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों कि लोगों की गंदी आदतें जैसे कि मास्टरबेशन, हालांकि मास्टरबेशन बुरा नहीं होता, अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो बुरा भी होता है, ठीक है? पोर्नोग्राफिक कंटेंट जब आप कंज्यूम करते हैं, मूवीज देखते हैं, फोटोज देखते हैं, तो आपके मन में ये सब चलता है 24 घंटे, तो आपको प्रीमेच्योर इजुकुलेशन होने की संभावना हो जाती है। और एक उम्र के बाद आपकी नसों में जान नहीं बचती, इसलिए कह सकते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। तो कई लोग तो यहाँ पे ब्यागरा खगा के टाइमिंग बढ़ाने की सोचते हैं। तो पहले ही क्लियर कर दूं, जो ब्यागरा टैबलेट जिसके अंदर सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है, वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिंग में उत्तेजना लाने के लिए होता है, ठीक है? ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, PDE5 इनहिबिटर ड्रग होता है, वो PDE5 इनहिबिटर ड्रग होता है। तो पहला मिथ तो ये दोस्तों कि अगर आपको टाइमिंग बढ़ाना है तो आपको ब्यागरा पे डिपेंड नहीं करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपकी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके आप कुछ हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज करके, कुछ अच्छी डाइट लेके, स्मोकिंग तंबाकू बंद करके, ठीक है? अच्छा हेल्दी फूड लेके आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन अगर बात किया दोस्तों यहाँ पे होम्योपैथी की, तो देखो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे R41 की। होम्योपैथिक दवाइयों के नाम इसी तरह से होते हैं। तो R41 जो दवा है दोस्तों होम्योपैथी की, जो कि एक ड्रॉप के फॉर्म में आता है, लिक्विड है दोस्तों, और ये बहुत अच्छा काम करता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन में। तो आप चाहें तो R41 ले सकते हैं। अब बात अगर करें ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, R41 के अंदर सिर्फ एक होम्योपैथिक ड्रग नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स होती हैं और ये मिलकर साथ में काम करती हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है दोस्तों एसिड फोर्स। एसिड फोर्स इसके अंदर डाला है दोस्तों, जो कि कमजोरी को दूर करता है। एग्निस कास्ट दोस्तों इसके अंदर, जो कि इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। एग्निस कास्ट दोस्तों जो कि आपकी यौन इच्छा को बढ़ाता है, सेक्सुअल डिजायरनेस जो कम हो जाती है, एक शादी के कई सालों बाद इच्छा ही नहीं होती सेक्स करने की, तो वो बढ़ जाती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे कोनियम मैकुलेटम है दोस्तों, कोनियम मैकुलेटम, ठीक है? ये क्या करता है दोस्तों, ये भी आपके हार्मोन्स को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन को जाके बूस्ट करता है। साथ ही डेमाइना सीपिया, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है दोस्तों, डिमियाना सीपिया, ठीक है? ये होम्योपैथिक के नाम है दोस्तों, थोड़ा सा टंग स्लिप हो सकती है। तो डिमियाना सीपिया दोस्तों इसके अंदर डाला हुआ, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और आपके लिंग में कठोरता और सेक्सुअल डिजायरनेस बढ़ती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मिलके जब आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर में इरेक्शन की प्रॉब्लम और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो दोस्तों, R41 होम्योपैथिक दवाई की मेडिकल स्टोर पे आप जाके मिल सकता है। अगर बात की जाए दोस्तों इसको लेने का तरीका, तो देखो डोजेस बहुत सिंपल है। खाने के आधा घंटा पहले लेना रहता है इसको, खाना खाने के आधा घंटा पहले, दिन में 3 बार लेना है, और 15 बूंद 1 कप पानी में मिक्स कर लेना है। 15 बूंद 1 कप पानी में मिक्स करके दिन में 3 बार पीना है, ठीक? तो इस तरह से आप लगभग लगभग महीना भर में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका लिंग में उत्तेजना आना शुरू हो जाएगी, और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन मतलब कि शीघ्र पतन की जो समस्या है, लिंग में से वीर्य जल्दी निकल जाता है, वो समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है प्रीमेच्योर एजुकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, सपोर्ट करें हमें असरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर ब्लॉग्स पे भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।